हुनर हाट दो दिन पहले ही ख़त्म किया जा रहा है कोरोना की वजह से। कोरोना के चलते यहाँ खरीदार भी उतने नहीं देखने को मिले जितने कि पिछले साल हुनर हाट में थे। हम लोग हैं आंध्र प्रदेश के साड़ियों की एक दुकान पे, जहाँ पोचमपल्ली और दूसरे तरीके की साड़ियाँ उपलब्ध हैं। जानते हैं किस तरीके का उनका अनुभव रहा और हुनर हाट में और कितनी सेल हुई। आप कहाँ से हैं? मैं आंध्र प्रदेश से, कृष्णा जिला विजयवाड़ा से है। आप विजयवाड़ा से हैं। हुनर हाट में आपने जो साड़ियाँ लगाई हैं कोरोना काल के चलते, इस बार कैसी सेल रही? सेल कलमकारी का कहीं भी किधर भी लगाए अच्छा स्टीक चलता भाई, सही है सेल हमारा। अच्छा दो दिन पहले ख़त्म कर रहे हैं, इस बाबत आप कुछ कहना चाहेंगे? वो दो दिन पहले से ख़त्म कर रहे हैं, वो दो दिन रहे तो भी सेल अभी थोड़ा बहुत होता था, वही सोच के अभी ऐसा। दो दिन पहले भी ख़त्म करने से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा। खरीदार जिसको खरीदारी करनी है वो लोग आ रहे हैं और हुनर हाट से खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर आकर ना हमें पता चल रहा है कि जो इंडिया है उसके अंदर मतलब किस तरीके के हुनर पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसे लोग भी, अभी हमने पीछे देखा था कि एक अंकल ने ना ये जो वायर होता है इससे मतलब पेंटिंग बना रखी है, तो वो एक योगदान दे रहे हैं हमारे, मतलब पोल्यूशन करता है ना ये वायर मतलब प्लास्टिक का। तो इस तरीके से यहाँ पर आकर हमें पता चल रहा है कि हमें भी इस तरह हुनर दिखाने चाहिए अपने, या फिर एक तरीके से कह दिया जाए तो हमारे इंडिया में ऐसे हुनर पाए जाते हैं जो और देश में नहीं है। बल्कि आप हुनर हाट में आए हैं, आपका क्या प्रोडक्ट है? पंख पे ये कैसे चित्रकारी करते हैं आप? हम पंख पर हाथों से काम करते हैं, अपने हाथों से ही बनाते हैं ये सब पंखों के ऊपर। मुस्कान जी, इस बार कोरोना काल में जो चल रहा है तो कैसा महसूस हुआ, क्या लोग खरीदार आपको हुनर हाट में मिले? हाँ, जिन्हें खरीदना होता है वो आते हैं, और कुछ घूमने के लिए भी आते हैं, अपने मनोरंजन के लिए भी आते हैं कुछ। तो फिर एक ये रिलीफ भी है कोरोना में कि हुनर हाट लगा, जिससे कि लोगों को एक राहत फील हुई कि हाँ थोड़े से हम मनोरंजन के लिए भी कहीं जा सकते हैं। तो मोदी जी ने ये बहुत अच्छी चीज़ की है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ की जो सजावट है बहुत बहुत डिफरेंट है, और भारत के अलग अलग स्टेट के आर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और पता लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर कितना टैलेंट है, और चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी किसी बड़े शहर में भी आप ढूंढने निकलो तो नहीं मिलती, जो इस हुनर हाट में हमें देखने को मिल रही है। कोरोना काल में से निवारण हमारी जो है परेशानी दूर करने के लिए मेला लगा दिया है, अच्छी बात है। और इसमें हर सेल हो रही है, ऐसे नहीं है कि कोरोना काल में लोग नहीं आ रहे, आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जगह जगह सैनिटाइजिंग रखे हुए हैं, हाथ सैनिटाइज हो रहे हैं और चेकअप हो रहे हैं, उसके सब कुछ ध्यान रखते हुए ये मेला लगाया गया है और कस्टमर आ रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं। दिल्ली जैसी मुल्क की रियासत में कैलीग्राफी का जादू बहुत कम देखने को मिलता है। मसरी की दिल्ली के रहने वाले जुबेर भाई कैलीग्राफी को जिंदा रखे हुए हैं। जानते हैं किस तरीके से वो कैलीग्राफी करते हैं। जी जुबेर भाई, किस तरीके से आप कैलीग्राफी को अंजाम दे रहे हैं, किन किन चीज़ों का आप कैलीग्राफी करते हैं? मैं पिछले 20 साल से कैलीग्राफी कर रहा हूँ। शुरुआत मैंने उर्दू कैलीग्राफी से करी, उसके बाद अरबी, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर पंजाबी। आग, हवा, पानी के अलावा हर चीज़ पे मैं कैलीग्राफी कर सकता हूँ। यहाँ कुछ चीज़ मौजूद हैं, आप देखना चाहेंगे। ये की रिंग है, इस पर कैलीग्राफी की है मैंने। ये वुडन पैन है, इस पर कैलीग्राफी की है। ये फ़ोटो फ्रेम है, इस पर कैलीग्राफी की है। और ये नेम प्लेट है, ये भी कैलीग्राफी है। और उधर वॉच है, वॉच पे भी कैलीग्राफी की है। पेपर, कैनवस, लकड़ी, हर चीज पे कैलीग्राफी करता हूँ मैं। 11 नवंबर को दिल्ली हाट प्रीतमपुरा में हुनर हाट का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया था, लेकिन दिल्ली में कोरोना के मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसे देखते हुए हुनर हाट को 20 तारीख को यानी कि दो दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया।